आई थिंक नाउ वी मस्ट लिसन टू हिम, या कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हम जिंदगी भर जो है जर्नलों को और इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की मुखालफत में इवन दिन गाली गलौज तक हम उतर आए, लेकिन हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? एक लफ्ज़ नहीं सुनाई दे रहा। अब मैं ये समझता हूँ कि ये आपके बराबर आवाज ला के बोले। मैं तो नहीं, आप ही स्पीकिंग इनटू हिज माइक। अगर आप थोड़ा सा गौर कर ले तो आपको तो सुनाई देगी। उनको सुनाना क्या यहाँ, इसको सुनाना जरूरी नहीं है ना, ताज साहब सुनाना जरूरी नहीं है मेरे ख्याल में। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जर्नलिस्ट जो नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ, कमेंट करना चाहता हूँ, हम जर्नलिस्ट के खिलाफ बातें करते हैं, लेकिन हमें अफसोस के साथ, ताज साहब हमें, मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, आप हमारे बुजुर्ग हैं, हमें इंतहाई यानी माजरत के साथ, माजरत भी नहीं करेंगे, हम क्यों माजरत करेंगे, हमें अफसोस है कि पॉलिटिकल जमातें लोगों को मिसगाइड करती है। जी, एक्चुअली दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई थिंक आपका बहुत शुक्रिया, आप आए हैं प्रोग्राम में, और इंशाल्लाह फिर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। अभी मुझे मौका दे रहे हैं, अब आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जर्नल्स को आज तक बुरा भला कहते रहे, मैं समझता हूं कि जर्नल्स के मुकाबले में पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को ज्यादा मिसगाइड करती है। जनरल परवेज मुशर्रफ जो है गिलगित बल्तिस्तान को, बालवरिस्तान को कश्मीर के साथ रीजन में से एक रीजन कहता है और का हिस्सा है, अरे तुम पाकिस्तान का हिस्सा है तो 60 साल तक तुम क्यों इस इलाके को बाहर रखा है? पाकिस्तान की असेंबली को और पीपल पार्टी उन्होंने को कहा कि मोहतरमा बेनजीर ने बनाया, मैंने कोई नहीं बनाया, कोई नहीं बनाया। मैं आपसे ये भी गुजारिश करता हूँ, हम बेनजीर साहिबा शहीद की हम बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद की हम ज्यादा इज्जत करते हैं, हमारे लोगों के लिए, सप्रेस नेशंस के लिए अच्छा इन्होंने काम किया वो अपनी जगह पर। यहिया खान ने पहले लीगल फ्रेमवर्क आर्डर बनाया है गिलगित बल्तिस्तान के लिए, यहिया खान ने, भुट्टो ने नहीं बनाया, और यहिया खान के बनाने के पीछे पुनियाल में, मेरे इलाके में राजे के खिलाफ जबरदस्त किस्म की बगावत के बाद 60 आदमी जो है वो जख्मी हुए थे, 7 आदमी 7 जो है वो शहीद हुए थे छोटी सी आबादी में। उसके बाद नगर में बहुत बड़ा राजे के खिलाफ, मीर के खिलाफ जो है वो बगावत उठी, और इन तमाम जिदोजहद ने, कोशियों ने, फिर यहिया खान ने बनाया है ये लीगल फ्रेमवर्क। तो आपके लोग वहां पे, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि अब बाद में जो है वो भुट्टो साहब ने उस पर अमल दरामद कराया, हम मानते हैं भुट्टो साहब, चलो भुट्टो साहब ने काला कानून खत्म किया, राजकीय निजाम खत्म, तो अब तो व्हाइट कानून भी तो भुट्टो साहब ने दिया, काला कानून खत्म करके क्या दिया, बदले में क्या दिया, अब वैक्यूम को किसने फिलअप किया? हम जरा वाइंड अप की तरफ आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि राव जी, जी मैं आपसे और मैं गुजारिश करूंगा कि बेबी शहीद ने भी अपने तौर पर कोशिश की है, वो बात अपनी जगह पर, बुनियादी तौर पर आप सब पाकिस्तानी हैं, मुझे पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी, कोई जिद, कोई अदावत नहीं है, मैं लॉयल हूँ, लेकिन मैं तो आपको जिंदगी भर पाकिस्तानी समझती हूँ, आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं। फिलहाल मैं पाकिस्तान का शहरी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का शहरी, आप लॉजिस्टिकली नहीं है, बिल्कुल नहीं हूँ, बिल्कुल लॉजिस्टिकली और टेरिटोरी, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि पाकिस्तान का मैं शहरी नहीं हूं ये अपनी जगह पर, लेकिन मुझे पाकिस्तान का शहरी बनाने के लिए भी जो पीपल पार्टी कहती है, इस तरह नहीं हो सकता है। ठीक है, आप बताइए कि क्या करना चाहिए जल्दी से। एहसासे महरूमी है, ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट है, और इसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है। जैसे तार यादव साहब ने कहा, आई विल बैक टू डिफर विद हिम स्लाइटली, वो कहते हैं तरमीम करनी चाहिए, तो तरमीम करने में क्या मसला है? क्या मसला है? हर चीज के प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अ तरमीम, देन डू इट। नॉन कंट्रोवर्शियल इशू है, एब्सोल्युटली अपोजिशन पार्टी, ये कोई जजेस इशू नहीं है कि इसमें कोई तरमीम नहीं पास हो सकती। मैं इंटरप्ट करके, मेजॉरिटी नहीं है, इंटरप्ट करके इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं कि आप पाकिस्तान के 16 करोड़ लोग जमा होकर भी किसी नई टेरिटरी को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा नहीं बना सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा पाकिस्तान का हम 16 लाख लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग बना सकते हैं, ये इख्तियार यूनाइटेड नेशन ने हमें दिया है, आपको नहीं दिया है। ओके, मेरे ख्याल